हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो गाइज, आप मतलब फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अभी पे हम कहाँ हैं। अभी एकदम सुबह है और ये देख सकते हैं कि कहाँ पे हैं। आप खुद बताइए कहाँ पे हैं। तो अब यहाँ से हम चल रहे हैं, तो अभी हम मतलब बता ही देते हैं कि वाराणसी जंक्शन पे, और यहाँ से अभी जा रहे हैं, अब हम गंगा घाट जा रहे हैं और वहाँ पे गंगा जी में मतलब स्नान वगैरह करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी कर लेंगे और फिर और भी चीज़ घूमेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखने आए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भाप वाला इंजन है जो पुराना, अब इसे बस देखने के लिए सिर्फ रख दिया गया है हर एक स्टेशन पर। फ्रेंड्स, अभी बनारस के गलियों में पैदल पैदल जा रहे हैं यहाँ पे, और जा रहे हैं गंगा घाट। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, 3 किमी दूर चली जाते हैं। सुबह का टाइम भी है अभी और चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं गंगा घाट पे। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे नज़ारा है पूरा। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे यहाँ पे। देखिए एक दशाश्वमेध घाट का सीन है पूरा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको। यहाँ पे यहीं पे आरती होता है, क्योंकि आरती का वेडिंग हमने ये दे दिया है आप लोगों को। तो यह देखिए ये दशाश्वमेध घाट है पूरा, और ये चारों तरफ यहाँ पे ये सब देखिए, बहुत सारे विदेशी लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम आज नहा तो नहीं पाएंगे, तो हम सिंगल हैं और सिंगल में तो सामान चोरी होने का खतरा रहता है। और देख सकते हैं किस तरह से अभी हम चलेंगे यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर। देखिए यहाँ पे भैया जी लोग मिले हैं काशी विश्वनाथ घाट पे। मुझे भैया कुछ देवरिया जिले से है। देवरिया कैसा लगा वाराणसी घूम के? बहुत अच्छा लगा। अब कहाँ से चलिए हम सोनभद्र से। चलिए भाई सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल का नाम बबुआ ब्लॉग। बबुआ ब्लॉग, बबुआ ब्लॉग चैनल। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो नया नया बनाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बनवाए हैं, वो हम देखते हैं चल के और कैसा है उसका भी आनंद लेते हैं। और चलिए यहाँ से थोड़ा सा ही दूर पे है इधर, तो उधर चलते हैं डायरेक्ट उधर से। फ्रेंड्स, ये देखिए यही है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि नया में बना हुआ है, यानी कि अभी साल दो साल ही से बने हुए हो रहे हैं। ये देखिए है, और उधर उधर साइड में जो आपको धुआं दिखाई दे रहा है वो मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे इधर गंगा नदी है, गंगा आरती भी यहाँ पे होती है लेकिन हमेशा नहीं होती है। तो ये देखिए कॉरिडोर है, तो चलिए अब हम इसके अंदर मतलब अंदर चलते हैं और किस तरह से है पूरा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और देखते भी हैं साथ में। तो यहाँ पे देखिए ये है मेन गेट, और चलते हैं हम ऊपर में और एंट्री करेंगे मेन गेट पे। तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो कि इसका ऊपरी शिखर यहाँ से दिखाई देता है थोड़ा सा। और इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है जो विवाद का कारण है, वो भी देखिए जस्ट इसके सटे हुए एकदम है दीवारों में बगल से। ये जो आपकी ऊपरी मीनारें जो दिख रही है ये देखिए, अब वो पूर्णतः अभी बंद किया गया है क्योंकि इसका मैटर बहुत ही। देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो कितनी संकीर्ण गलियों में है, यहाँ पे इस गलियों से होकर जाना पड़ता है यहाँ। फ्रेंड्स, ऐसी संकीर्ण गलियों में अभी यहाँ पे 2 किलोमीटर यानी कि 1.7 किलोमीटर दिखा रहा है जो कि चलना है, और देखने से तो बहुत ही संकीर्ण लगता है और है भी, पर चलना है देखते। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं यहाँ पे मैंने केदारनाथ में। तो यहाँ पे देखिए जो आपको दिख रहा है ये महाबोधि वृक्ष है। तो महाबोधि वृक्ष है, यहाँ पे भगवान बुद्ध ने सबसे पहला बार उपदेश ध्यान करके अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश को दिया था, जो कि 5 में मतलब शिष्यों को दिया था। तो यही 5 शिष्य यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है चारों इसको, और ये हम बोलिए जिसे संरक्षित रखा गया है इसके लिए। वहाँ पे देखिए खम्भे के सहारा से पेड़ को रखा गया है। देख, तो
तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं धामेक स्तूप की ओर। तो धामेक स्तूप यहाँ से आगे है थोड़ा सा, यानी कि 200 मीटर आगे है, वहाँ से चलते हैं। उसका टिकट भी लगता है, तो जाने के बाद शायद खुला होगा तब तो। और यहाँ पे देख सकते हैं गौतम बुद्ध की अच्छी अच्छी बहुत प्रतिमाएँ यहाँ पे मिल रही हैं। और अभी हम सड़क पे चल रहे हैं, मंदिर से। तो यहाँ तो गजब हो गया, मतलब कि सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही मिलेगा, ऑफलाइन नहीं, पेमेंट ऑनलाइन देना होगा, कैश नहीं लेंगे यहाँ पे। तो अब क्या करें, देखते हैं किसी से अगर हो जाएगा तो, नहीं होगा तो फिर नहीं देखेंगे। और तो फ्रेंड्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है सारनाथ का पुरातात्विक विभाग से जो खनन के दौरान निकला है, वो है यहाँ पे मंदिरों का, ये बौद्ध मंदिरों का जो ये है अवशेष है। और वहाँ पे आपको जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है, धामेक स्तूप है, जो कि बौद्ध स्तूप, एक फेमस बौद्ध स्तूप है सारनाथ में। तो वही यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए टिकट के लिए बहुत ही मारामारी है। टिकट लेने के लिए बिल्कुल ही, मतलब केवल ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन व्यवस्था है ही नहीं, जो भी है वो ऑनलाइन में ही है। तो ऑनलाइन में टिकट मिलने में बहुत लोग, बल्कि 10 रुपये ज़्यादा लेकर अपने फ़ोन से काट के भी देते हैं, बट वो भी जल्दी सक्सेस नहीं है, लेट बहुत हो जाता है। अगले बार आए थे तो था ऑफलाइन, बट अब नहीं है। ये बड़ी गड़बड़ है यहाँ की समस्या एक, कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं मतलब UPI से, तो फिर नहीं भी चांस है कि नहीं भेजा सकते हैं इसलिए। तो चलिए अब इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं अंदर से और डिटेल से, कि कैसा है पूरा यहाँ पे सारनाथ का ये स्तूप, जो भी कितना है यहाँ पे सजाया गया।